नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1 लाख के फरार इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से पूरे यूपी में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है, खासकर एनकाउंटर को लेकर सपा मुखिया लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। दोनों के बीच लगातार बयानबाजी और जुबानी हमले का दौर जारी है, लेकिन सवाल है कि योगी सरकार में यह कोई पहला एनकाउंटर नहीं है। इसके पहले भी पुलिस ने कई अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया है, तो फिर क्यों मंगेश के एनकाउंटर पर इतना बवाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर में भरत जी सर्राफा के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। हथियारबंद नकाबपोश बदमाश दिन दहाड़े दुकान में घुस गए। इसके बाद हथियार के दम पर दुकानदार और उनके स्टाफ को एक तरफ बैठा दिया और जेवरात और कैश लूटकर पिस्टल लहराते हुए भाग खड़े हुए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में बीते गुरुवार को एसटीएफ के साथ लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। घटना में शामिल मुख्य आरोपियों में से 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव पुलिस पर गोली चलाने लगा, जहां वो एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से भाग निकला। बताया जा रहा है कि मंगेश यादव पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। वहीं अब मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को गलत बताते हुए अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था, जहां मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में जितना बड़ा गुंडा होता था उसे उतना ही बड़ा ओहदा मिलता था। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लगता है। फिलहाल मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच एसडीएम लंबुआ विदुषी सिंह द्वारा की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने इस एनकाउंटर को न्याय संगत और कानून सम्मत बताया है, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा इस पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं इस लूट का मास्टरमाइंड विपिन सिंह 5 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में रहेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया है। वहीं पुलिस अब आरोपी को लूटे गए जेवरात बरामद करने के लिए रायबरेली व गुजरात के सूरत आदि स्थानों पर ले जाएगी। विपिन ने कोर्ट में पेश होने के बाद आशंका जताई कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। मंगेश के एनकाउंटर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।